जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपके अग्निवीर में भर्ती के अंदर आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, वीडियो के साथ दोस्तों बने रहना है, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपकी 2024 के अंदर और 2025 के अंदर अग्निवीर के अंदर आपकी सैलरी कितनी रहने वाली है, कितना आपका रिफंड काटा जाएगा, और जब आप 4 साल की अगर आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है और 4 साल के बाद जब आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपकी आपको टोटल पैसा कितना मिलेगा, आज इस वीडियो में वो बताने वाला हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो चैनल पर नया है तो चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर दो और साथ में वीडियो को लाइक कर दो। दोस्तों बात करते हैं आपकी 4 साल तो आपकी पहले सर्विस होने वाली है अग्निवीर भर्ती के अंदर। ठीक है दोस्तों, अग्निवीर भर्ती के अंदर आपकी पहले 4 साल भर्ती होने वाली है। ठीक है, सर्विस होने वाली है तो मैं आपको बता देता हूँ जो आपकी फर्स्ट फर्स्ट ईयर जो आपकी फर्स्ट साल जो सैलरी रहेगी तो वो सैलरी कितनी रहेगी। जो फर्स्ट साल आपकी जो सैलरी रहेगी वो सीधा आपकी 30,000 सैलरी रहेगी। ठीक है, जो फर्स्ट साल आपकी सैलरी रहेगी 30,000 आपकी टोटली सैलरी रहेगी। तो 30,000 में से आपको जो 9,000 आपका रिफंड काटा जाएगा। ठीक है, 9,000 आपका रिफंड काटा जाएगा, उसके बाद आप टोटली लगा लो, उसके बाद आपको जो मिलता है रिफंड 9,000 काटने के बाद 30,000 में से आपको 70% मिलता है, यानी कि पूरा फिर टोटली 21,000 आपको कैश मिलता है, 70% के हिसाब से काटा जाता है। ठीक है, रिफंड फिर उसके बाद आपका टोटली जो आपको कैश मिलता है 21,000 रुपया कैश मिलता है आपको। एक साल में आपको टोटली 21,000 रुपया कैश मिलेगा, हर महीने आपका रिफंड काटा जाएगा 9,000 रुपया। ठीक है, तो उसके बाद जब आपका सर्विस दूसरे साल हो जाता है, यानी कि 2 साल हो जाते हैं आपकी सर्विस में, और दूसरे साल जो आपको जो सैलरी मिलता है वो आपको मिलता है 33,000 रुपया मिलता है दोस्तों। ठीक है, 33,000 रुपया आपको दूसरे साल में आपका सैलरी बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसमें से जो आपका रिफंड कटता है हर महीने वो कटेगा आपका 9,900 रुपया। ठीक है, 9,900 रुपया आपका हर महीने रिफंड कटेगा। ठीक है, तो उसका जो आपको जो फिर उसमें से जो आपको सैलरी मिलेगा 9,000 रिफंड काट के, उसके बाद जो आपको कैश मिलेगा वो मिलेगा 23,100 रुपया। ठीक है, 23,100 रुपया मिलेगा आपका 9,900 रुपया रिफंड काट के। ठीक है, टोटल। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको तीसरे साल जो सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। ठीक है, तीसरे साल जो आपको सैलरी मिलेगी वो 36,500 सैलरी मिलेगी आपको। ठीक है, 36,000 टोटली 500 सैलरी मिलेगी, उसमें से जो आपका रिफंड काटा जाएगा वो आपका काटा जाएगा 10,950 रुपये। ठीक है, रिफंड जो आपका काटा जाएगा 10,950 रुपये। तो आपको जो टोटली कैश जो पेमेंट होने वाली है 36,000 से 10,000 आपका 900 रिफंड में काटा जाएगा, तो आपको जो कैश पेमेंट मिलेगी 25,550 रुपये आपको कैश पेमेंट मिलेगी। ठीक है, तीसरे साल में आपको 25,550 पेमेंट मिलने वाली है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, जब आपका लास्ट साल बच जाता है, यानी कि चौथा साल जब आपका बच जाता है, उसके बाद आपकी सर्विस बंद हो जाती है, तो जो आपकी चौथे साल में जो सैलरी रहने वाली है अग्निवीर भर्ती की वो आपकी टोटली फिर 40,000 रुपया हो जाती है। ठीक है, 40,000 रुपया हो जाएगी आपकी सैलरी, उसमें से जो आपका रिफंड काटा जाएगा, जो आपका रिफंड काटा जाएगा वो काटा जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है, हर महीने आपका 12,000 रुपया चौथे साल में काटा जाएगा रिफंड। ठीक है, तो 12,000 काटने के बाद 40,000 में से 28,000 आपको कैश मिलेगा हर महीने। ठीक है, हर महीने आपको 28,000 कैश मिलेगा चौथे साल में। ठीक है, तो ये आपका जो रिफंड काटा है उसका टोटली भी कितना होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो रिफंड आपका हर महीने काटा जाता है उसका टोटली अगर हिसाब लगाएं तो आपका 5,02,00,000 बन जाता है। ठीक है, 5,20,000 बन जाता है आपका टोटली अगर बात की जाए तो। दोस्तों मतलब कि आपका जो रिफंड का टोटल जो पैसा है वो टोटली 5,02,00,000 बन जाता है। ठीक है, यानी कि 5,00,000 आपको मिलता है रिफंड का पैसा जो रहता है। ठीक है, तो हर महीने आपको सैलरी तो वो तो मिलेगी, उसमें से जो आपका रिफंड कटता है ना दोस्तों, जैसे आपकी सैलरी 30,000 है टोटली, फर्स्ट साल में आपकी 30,000 सैलरी लगी है, उसमें से आपको 21,000 कैश दिया जाता है, तो उसमें से जो आपका 9,000 कटेगा ना वो आपका रिफंड में डल जाएगा। जब आपकी 4 साल के बाद सर्विस जैसे आपकी कंप्लीट हो जाती है, जो भी टोटली आपका जो जितना पैसा बनता है उसके बाद वो पैसा आपको लास्ट में दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, वो पैसा आपको लास्ट में दिया जाता है, उसके बाद आपको सरकार की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाती है 4 साल, आपने 4 साल अच्छा सर्विस किया है, अच्छा काम किया है, अच्छा नाम कमाया है, उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से रिटायरमेंट में जो पैसा मिलता है वो आपको मिलने वाला है 10,00,000 रुपया पूरा। ठीक है दोस्तों, 10,00,000 के ऊपर भी मिल सकता है, आपके काम से हिसाब से रहता है। ठीक है दोस्तों, तो जो सर्विस के बाद जैसे रिटायरमेंट आप घर पर आओगे सर्विस करके 4 साल का, उसके बाद आपको 10,00,000 रुपया आपको सरकार की ओर से मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका रिफंड कटा होगा 5,00,000 रुपया उसका मिलेगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो टोटली आपको 15,00,000 रुपया आपको मिलेगा। ठीक है, जब आप 4 साल की सर्विस आपकी कंप्लीट हो जाएगी टोटली आपको 15,00,000 रुपया मिल जाएगा, और जो हर महीने आपको सैलरी मिलती है वो अलग से। ठीक है दोस्तों, तो ये होने वाली है अग्निवीर भर्ती की जो सैलरी 2024 में और 2025 में। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मैंने आपको छोटी छोटी बारीक बातों से बता दी कि अग्निवीर की सैलरी कैसे मिलती है, और अग्निवीर की जो सैलरी मिलती है वो आपको कैश
मिलती है, ठीक है, कटकटा के आपका रिफंड कटकटा के आपको कैश सैलरी मिलती है, ठीक है दोस्तों। 4 साल की सर्विस होती है, 4 साल आपको कैश मिलेगा, रिफंड जो आपका काटा जाएगा उसके बाद वो लास्ट आपके अकाउंट में डाला जाएगा, जो गवर्नमेंट की ओर से जो आपका रिटायरमेंट का पैसा था वो भी अकाउंट में ही आता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो अग्निवीर की भर्ती देखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब जय हिंद, वंदे मातरम।